नमस्कार, क्विक न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। खबर है, तंदूर रेड ग्राम को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है। आइए जानते हैं इसके बारे में। केंद्र सरकार ने तेलंगाना के प्रसिद्ध तंदूर रेड ग्राम या तुअर दाल को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया है। आपको बता दें कि तंदूर रेड ग्राम यानी अरहर के लिए यलाल फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड के द्वारा 24 सितंबर 2020 को आवेदन दायर किया गया था। इसी के साथ अब देश में कुल 432 स्वीकृत जीआई टैग हो चुके हैं, जिनमें से 16 उत्पाद तेलंगाना से हैं। तंदूर रेड ग्राम की प्रामाणिकता का पता लगाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्निक का उपयोग करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। अब क्षेत्र के किसान अपने उत्पादों को टैग कर सकते हैं, क्योंकि तंदूर रेड ग्राम में लगभग 22-24% प्रोटीन होता है, जो अन्य अनाजों की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा है। वर्तमान में तेलंगाना राज्य के इस क्षेत्र में लगभग 63,500 परिवार तंदूर रेड ग्राम की खेती में शामिल हैं। तेलंगाना के तंदूर क्षेत्र से अनुमानित कुल उत्पादन लगभग 4.75 लाख क्विंटल प्रतिवर्ष है। तंदूर क्षेत्र में अट्टा पुलगाइट मिट्टी के जमाव के साथ गहरी काली मिट्टी को तंदूर रेड ग्राम के लिए विशिष्ट माना जाता है। जीआई अधिकारियों ने दावा किया है कि किसान संगठन द्वारा दाल की गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक अंतरिम टीम बनाई जाएगी, ताकि दाल की गुणवत्ता से समझौता न हो। तंदूर रेड ग्राम के अलावा लद्दाख के कार्पो खुबानी और महाराष्ट्र के अलीबाग सफेद प्याज सहित 9 नई वस्तुओं को प्रतिष्ठित जीआई टैग दिया गया है। मुख्य रूप से एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले कृषि, प्राकृतिक या विनिर्मित उत्पादों, हस्तशिल्प और औद्योगिक वस्तुओं के लिए जीआई टैग दिया जाता है। दार्जिलिंग चाय भारत का पहला उत्पाद था, जिसे 2004 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। जीआई टैग की अवधि 10 वर्ष होती है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।